एक बार फिर से आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी ले चलते हैं, और जहां पर सदन की कार्यवाही चल रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह सदन में इस वक्त क्षेत्र में कराने में लगातार भीमा मंडावी लगे रहे। निश्चित रूप से हम उनके प्रति श्रद्धांजलि करते हैं। स्वर्गीय बदाम सिंह ठाकुर, वो तो हमारे परिवार के सदस्य थे और जीवन भर राजनीतिक दल में अलग अलग जरूर रहे, मगर जब भी मैं उनके पास जाता था, एक सीनियर पॉलिटिशियन की तरह, एक बड़े भाई की तरह, हमेशा उनका सुझाव और सलाह हमेशा मिलता रहा। और बहुत ही निर्भीक, बेबाक बोलने वाले, एक प्रकार से आजाद शत्रु जिसका कोई दुश्मन नहीं, और अद्भुत भगत रतनपुर के महामाया ट्रस्ट के प्रमुख के रूप में जो विकास किया उन्होंने, वो उनकी श्रद्धा थी। उनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के माता जी का भी इस बीच निधन हुआ, उनके प्रति भी मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सभी दिवंगतों के प्रति ईश्वर उन्हें अपने चरण में स्थान दे, और निश्चित रूप से उनके परिवार परिजनों को इस कष्ट को सहने की क्षमता दे। ओम शांति। आदरणीय चौबे जी, संसदीय कार्य मंत्री, कोई और बोलना चाहते हैं? कोई बोलना चाहते हैं?